19 साल हो गए शॉप को चलते हुए। क्या इसके लिए कोई लाइसेंस या परमिट भी वगैरह भी लेनी होती है? इसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? लकड़ी का भाव लग रहे हैं इधर और उधर मलाई टिक्का। अगर कोई नया व्यक्ति स्टार्ट करना चाहे तो उसके लिए जगह कैसी होनी चाहिए? इतनी भी चीजें आती है उससे पहले डीप फ्रीज वगैरह भी करना होता है? और सर ये ग्रेवी है क्या, अंडे वाली ग्रेवी भी ये होती है? जिम करते हैं या वो करते हैं उसमें इसकी डिमांड ज्यादा होती है। ये टंगड़ी कबाब। टंगड़ी कबाब शुरुआत में किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या आइटम लाने पड़ेंगे, कितनी जगह चाहिए सर और कितने इंस्ट्रूमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं? जो भी काम है बिना कारीगर के नहीं है, बिना मेन कारीगर चाहिए। मेन साफ सफाई है, अगर साफ सफाई नहीं है तो वो काम चलेगा नहीं। सब्सक्राइब कीजिए स्काई स्टार्टअप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट बिजनेस आइडियाज के लिए। हेलो दोस्तों, मैं शोरे स्काई स्टार्टअप में नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम चिकन कॉर्नर के बारे में बताने वाले हैं, जिसके लिए हम आए हैं मशहूर मोहन मुर्गे वाले के पास। नमस्कार मनोज जी। नमस्कार जी। मनोज जी, कितने समय से आप ये मोहन मुर्गे वाला शॉप चला रहे हैं? ये 19 साल हो गए शॉप को चलते हुए मोहन मुर्गे के नाम से। सर मोहन मुर्गे के नाम से कई और शहरों में भी स्टॉल हैं, क्या ये फ्रेंचाइजी है या आपका खुद का इनोवेशन जो है? यमुनानगर में है इसकी फ्रेंचाइजी जी, उसकी ब्रांच है ये बिजनौर में जी, और मेन इसका जो अम्बाला और यमुनानगर में है जी। तो आपकी एक ब्रांच है ये जी? जी जी। तो सर आप 19 साल हो गए आपको करते हुए, क्या इसके लिए कोई लाइसेंस या परमिट भी वगैरह भी लेनी होती है? इसके लिए फ्रूट लाइसेंस लगता है, GST रजिस्टर्ड होता है, ये सारे कागज़ कंप्लीट होने के बाद ही नगर पालिका से लाइसेंस बनता है, उसके बाद ही ये चालू होता है। सर जैसे परमिट वगैरह लगती है सारी चीज़ें, ये आपका फुल रेस्टोरेंट है कि आप यहाँ अंदर बैठा के खाते हैं या टेक अवे है? पैकिंग खाली, बैठाने का हमारा कोई सिस्टम नहीं। टेक अवे है, होम डिलीवरी का ली। 19 साल से हमारा यही चलता चला रहा है, खाली टेक अवे जी। सर टेक अवे है तो जैसे आजकल स्विगी जोमेटो वगैरह भी काफ़ी प्रचलन में है, तो आप क्या उनसे भी कॉन्टैक्ट किए हुए हैं? हाँ, स्विगी और जोमेटो से हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, उनसे हमारे ऑर्डर जाते हैं दोनों से। सर आपका जो फेमस चीज़ें हैं, फेमस चीज़ें क्या बनाते हैं आप? फेमस हमारे तो वैसे सब कुछ ही फेमस है, लेकिन जो मेन फेमस है वो टंगड़ी कबाब जी, मलाई टिक्का और तंदूरी चिकन। सर आप सारे चिकन के ही आइटम्स बनाते हैं या कुछ और भी, फिश हो गया या कुछ और? चिकन के या फिश के या मटन के, ये तीन चीज़ हमारे यहाँ बनती हैं। तीनों चीज़ें आप बनाते हैं? जी जी जी। तीन चीज़ के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? रॉ मटेरियल हमारे तो लोकल से ही लेते हैं, हम यहीं से ही बिजनौर से ही, हमारा डीलर है उनसे आता है हमारा सामान सारा। उसके अलावा सर मसाले वगैरह काफ़ी यूज़ होते हैं, मीट मसाला या गरम मसाला या किस तरह के मसाले आप इसमें? जो इसका वैसे मसाला हमारा यूज़ होता है उसका हमारा अपना मोहन मुर्गे के नाम से अलग मसाला बनता है जो यूज़ होता है। सर आप हमें कुछ अपनी स्पेशलिटी दिखाइए कि क्या आप स्पेशल बनाते हैं? अब आप हमारे देख सकते हैं तैयार हो रहा है ये रोस्ट तंदूर टंगड़ी कबाब लग रहे हैं इधर और उधर मलाई टिक्का। सर ये तंगड़ी कबाब है तो इसपे क्या आपने इसपे क्या लगाया है ऊपर? टंगड़ी कबाब जो है हमारा ये सबसे बेहतरीन चीज़ है इसके इसके अंदर हम जो है काजू और वो भरते हैं, कीमा भरते हैं इसके अंदर, स्टफ करते हैं इसे हम जी, अंदर तो कीमा और काजू भरते हैं, स्टफ करते हैं इसे हम, इसकी यही स्पेशलिस्ट है जो है। इसके ऊपर क्या लगाते हैं सर? ऊपर इसके लिए पेस्ट लगता है, उसका मगज है, काजू है, एग है जी, उसका ही पेस्ट बन के लगता है, उसके बाद तैयार होता है, उसमें पेस्ट लग के तैयार होता है जी, जी जी। और सर इसके अलावा क्या जो मलाई टिक्का बता रहे हैं? मलाई टिक्का, उसके बाद शामी कबाब है, मटन है, चिकन है, मतलब चिकन और मटन और फिश के सारे आइटम तैयार मिलते हैं हमारे यहाँ, सारे आइटम तैयार करते हैं, उसके बाद ग्राहक आए और आके पैक करके दे देते हैं, आप उसे वो ले जाते हैं जी जी। सर आपकी जो प्राइस लिस्ट है उसके बारे में एक बार बताएं, ये तंगड़ी कबाब का क्या प्राइस होगा फुल प्लेट का? 140-240 का है एक प्लेट जी, और जो टिक्का है वो 180 का है एक प्लेट, और रोस्टेड जो है वो 250 का है। हाँ सर, जैसे 19 साल हो गए, काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो गया है वो आपका, अगर कोई नया व्यक्ति स्टार्ट करना चाहे तो उसके लिए जगह कैसी होनी चाहिए, क्या क्राउडेड में होनी चाहिए या कोई भी जगह? थोड़ा शहर से थोड़ा सा हट का होनी चाहिए जगह जो है, उस हिसाब से वैसे तो अब हर कहीं भी खोल लो आप वहीं चलता है, लेकिन जो नॉन वेज के हिसाब से है वो थोड़ी सी शहर से हट का हो जाएगा, उसके लिए बेहतर सही अच्छी रहती है जी। जो आपने आइटम तैयार किया है ये क्या चीज़ है? ये शामी कबाब है मटन का, शामी कबाब टिक्की, ये मटन की बनती है, ये मटन से तैयार होती है, ये सबसे लोकप्रिय हमारे जो सबसे ज़्यादा बिकती है
मटन की जो है वो शामी टिक्की जी। सर इसे बनाते कैसे हैं, जैसे मटन आ गया दुकान से उसके बाद क्या करना होता है? मटन को और इसे उबालते हैं, उसके बाद मिक्सी में पीसते हैं, उस मसाला वसाला मिलाते हैं, प्याज हरी धनिया हरी मिर्ची जी। मिक्स करने के बाद इसे फ्राई करते हैं जी। उसके बाद तैयार होती है ये। क्या सर ये जितनी भी चीज़ें आती हैं उसे पहले डीप फ्रीज वगैरह भी करना होता है? नहीं नहीं डीप फ्रीज नहीं, हमें तो खाली ये सारा जो है जितना भी पहले कच्चा मटेरियल आता है जी। कच्चा मटेरियल को साफ करके बिल्कुल जी। उसके बाद एक या दो घंटे से रखना पड़ता है साफ करके, उसके बाद इसे हाफ डाउन करना पड़ता है जी। सर आपके यहाँ का चिकन कोरमा काफ़ी फेमस है, चिकन कोरमा बनाने की विधि और बता दीजिए हमें एक बार। देखिए चिकन कोरमा बनता है हमारा यहाँ जो है बिल्कुल ग्रेवी के लिए सबसे फेमस आइटम है ये जी। जो ग्रेवी का चलता है चिकन कोरमा, काली मिर्च, बटर चिकन, लेमन चिकन, बटर फ्राई, वैसे तो सब कुछ फेमस है लेकिन सबसे ज़्यादा चलने वाला आइटम चिकन कोरमा जो सबसे ज़्यादा चलता है होटल पर। होटल में मतलब ऑल ओवर इंडिया चलता है या हम बिजनौर में तो ज़्यादा चलता है जी, बिजनौर में ज़्यादा चलता है वह यही आइटम है जो सबसे ज़्यादा ग्रेवी में चलता है चिकन कोरमा। चिकन कोरमा। और सर ये ग्रेवी है क्या अंडे वाली ग्रेवी भी यही होती है, इसके अलग से होती है? अंडे वाली ग्रेवी भी यही होती है और चिकन वाली भी, जो अंडा हमारा अगर चलता है तो वो यही ग्रेवी यूज़ होती है। सर ये तो होगी चिकन कोरमा की बात, एक आप एक बार बिरयानी और बता दीजिए हमें, बिरयानी कैसे होती है तैयार? बिरयानी में देखो एक तो चावल लगते हैं बासमती के इसमें जी, और चिकन का यूज़ होता है और बनाने के लिए वैसे तो बिरयानी का मेन वही है जो सब बनता है जी, दाब वाली बिरयानी बनती है ये ग्रेवी के साथ चलती है, इसके साथ चटनी चलती है। सर बासमती राइस है उसमें कुछ दाने आपको लाल भी दिख रहे हैं मुझे, ये थोड़ा सा जो हल्का सा कलर का यूज़ होता है जी, और इसमें चावल जो है बासमती नहीं डबल चाबी चलता है चावल जी। सर क्या ये कलर स्वाद के लिए यूज होता है या फिर देखने में अच्छा लगे इसलिए? ये कलर देखने के लिए होता है, स्वाद वैसा होता है, लेकिन हम कलर जो यूज़ करते हैं ये भी कंपनी का यूज़ करते हैं, कंपनी का कलर, कंपनी का है कि ये कुछ नुकसान नहीं देता ये कलर। सर ये जो बन रहा है ये क्या आइटम है अभी? ये जो तैयार हो रहा है ये कलमी कबाब तैयार हो रहा है, ये विंग्स वह बाजू वाले पीस जिसे कहते हैं। इसकी क्या विशेषता होती है सर? इसकी विशेषता यह है कि खाने में बड़ा स्वादिष्ट है ये जी। और ये जितने भी लड़के जिम करते हैं या वो करते हैं उसमें इसकी डिमांड ज़्यादा होती है कलमी कबाब की। अच्छा, ये सीने वाला पीस होता है, ये सीने वाला प्रोटीन, इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, प्रोटीन की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, ये लेग पीस से अलग है ये। सर इसे बनाने की क्या विधि है, इसमें ऊपर क्या लगाया हुआ है? ऊपर वही चलता है, इसमें काजू का और मगज का अंडे का पेस्ट चलता है इसका जी, पेस्ट जो हाँ जो पेस्ट लगता है वो यूज़ होता है जी सर। उसके बाद ये जैसे पेस्ट लगा के तैयार हो गए तंगड़ी कबाब, उसके बाद इसका क्या करना है सर? उसके बाद इसे खाली रोस्टेड करना है, रोस्टेड करने के बाद इसमें मसाला लगाना है और मसाला लगा के तैयार कंप्लीट। सर रोस्टेड क्या किसी ओवन वगैरह में करते हैं या भट्टी के ऊपर ही किया जाता है? भट्टी के ऊपर होता है हमारा, ओवन ओवन का कहीं यूज़ नहीं होता जी, हमारा भट्टी का यूज़ होता है, कोले पे सिकता है ये। कारगर साहब ये आप क्या तैयार कर रहे हैं अभी? ये टंगड़ी कबाब। टंगड़ी कबाब सर कितनी देर तक इन्हें रोस्ट करना होता है? लगभग 15-20 मिनट। 15-20 मिनट में ये तैयार हो जाता है जी। क्या जो इस पर लेप लगाया है ऊपर ये काजू वगैरह का, तो ये बुनना जरूरी है या फिर उसके अंदर तक? ना ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। सर जैसे कोई नया व्यक्ति इस काम को स्टार्ट करना चाहे तो उसे शुरुआत में किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या आइटम लाने पड़ेंगे? देखिए स्टार्ट करने के लिए तो ऐसा कुछ नहीं कि कुछ लाना पड़े, लेकिन ये है कि स्टार्ट करने के लिए अगर आदमी स्टार्ट करना चाहता है तो कर सकता है, ऐसा कोई लंबा चौड़ा इन्वेस्ट नहीं है, आपने एरिया के हिसाब से 10-15 लाख रुपये कम से कम चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। और दूसरा सबसे चीज़ ये है कि उस पर जगह, मेन चीज़ है जगह कहाँ पर है, ये किस जगह है वो है मेन। कितनी जगह चाहिए सर और कितने इंस्ट्रूमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए जगह तो कम से कम 12x12 की दुकान कम से कम चाहिए जी करने के लिए, इसे स्टार्ट करने के लिए। और इंस्ट्रूमेंट तो सारे काउंटर जितने भी हैं सब चाहिए हैं, जो भी है वो तो आदमी के अपने ऊपर है कि कितना इन्वेस्ट कर सकता है इसमें। बिल्कुल सर सही बात है बताइए आपने। तो क्या सर 15 लाख से कम में स्टार्ट नहीं किया जा सकता? देखिए एरिया वाइज है कि कहाँ है, जब कहीं अगर आदमी पॉश एरिया में बैठा है तो वहाँ 50 लाख में भी स्टार्ट नहीं होगी, और कहीं मीडियम जगह बैठा है तो वहाँ 15 लाख में भी स्टार्ट हो सकती है। तो इसलिए पैसे का कोई इन्वेस्ट ऐसा नहीं है कि इतना फिक्स है कि इतने इन्वेस्ट हो जाएगा। सर जैसे कोई स्टार्ट करता है तो क्या वो खुद से बनाना सीखे या फिर कारीगर हायर करना चाहिए उसे? देखिए कोई भी काम करेंगे कारीगर के बिना तो होगा नहीं जी, मेन तो कारीगरी है जी, जो स्पेशलिस्ट है इसका जो कारीगर है वह उसी से ही शुरू कर सकते हैं,
मेन कारीगर है। अगर आप कितने कारीगरों के साथ स्टार्ट कर सकते हैं? कारीगर ये कम चार पांच कारीगर तो चाहिए स्टार्ट करने के लिए जी। और जो भी काम है बिना कारीगर के नहीं है, बिना मेन कारीगर से ही है। मतलब जितने आइटम्स हैं सबके लिए अलग अलग कारीगर चाहिए? सबके लिए अलग अलग कारीगर चाहिए। ग्रेवी वाले के अलग है, रोस्टेड वाले के लिए अलग है, शामी कबाब के लिए, बिरयानी के लिए, सबके लिए अलग कारीगर चाहिए। सर नॉनवेज के जितने भी कॉर्नर होते हैं उनमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है, इसमें काफ़ी वेस्टेज चीज़ें निकलती हैं, हड्डियाँ वगैरह, तो साफ सफाई का ध्यान कैसे रखते हैं इसमें? देखिए कोई भी काम करेंगे आप, नॉनवेज का हो या वेज का हो, मेन साफ सफाई है। अगर साफ सफाई नहीं है तो वो काम चलेगा नहीं। इसलिए हमारा मेन जो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है वो साफ सफाई। हमारे हर जगह आप देख सकते हैं कहीं भी मेन जो चीज़ है साफ सफाई, साफ सफाई और सारा स्टाफ का योगदान। जो हमारा योगदान स्टाफ है उसका सारा योगदान है इस रेस्टोरेंट चलाने के लिए। जितना योगदान मेरा है उतने इन सब स्टाफ का है। तो सर क्या ये भी 19 साल पुराने स्टाफ हैं सर आपका? हाँ ये 19 साल क्या, ये 20 साल पुराने होंगे, ये और एक साल पुराने होंगे उससे भी जी। ये और जितने भी है कारीगर हैं यहाँ। मोहित जी आप मोहन मुर्गे वाले के मैनेजर हैं जी जी। तो क्या शाम को काफ़ी क्राउड होने के बाद कुछ दिक्कतें का सामना पड़ता है, दारू वगैरह पी के आ जाए तो वो कुछ परेशानी तो नहीं होती है? नहीं ऐसी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मोस्टली उसमें क्या होता है कि जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है ना बैठने का जहाँ होता है उसमें ही थोड़ी दिक्कत आती है, वरना हमारा तो 20 साल से पैकिंग का ही काम है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर जैसे इस टाइम कोरोना पैंडेमिक चल रहा है जी जी, तो उस दौरान इस काम पे कोई प्रभाव पड़ा? हाँ थोड़ा बहुत असर तो है, और फिर अब कनाकत चल रहा था क्योंकि मोस्टली हमारी जो दुकानदारी है वो 90% हिंदू की है, बिल्कुल ये है कहानी, तो असर तो है कहीं ना कहीं, सभी व्यापार पर असर है ऐसी बात नहीं है। ये 2020 तो ऐसे ही आया कि दिक्कत का सामना है सबके साथ ही। बिल्कुल सर। सर एक बार अपना एक एड्रेस और बता दीजिए कि आपके पास ग्राहक आराम से पहुँच जाए। देखिए हमारा मेन एड्रेस जो है सिविल लाइन है, नगर पालिका, ये मेन जगह है नगर पालिका जो बिजनौर नगर, इसके बाहर है बिल्कुल एकदम, कोई भी ग्राहक आ सकता है यहाँ इसके एड्रेस से, सिविल लाइन सेकंड। सर ऑनलाइन ऑर्डर के लिए कुछ विशेष वेबसाइट या नंबर है? वैसे तो ऑनलाइन के लिए ज़्यादा स्विगी और जोमेटो चल रहा है, उसके बावजूद भी मेरा जो अपना नंबर है जिससे ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं 9897814373, इससे भी आप इसे सामान को मंगवा सकते हैं। ये थे हमारे साथ मनोज जी, मोहन मुर्गे वाले के ओनर, जिन्होंने चिकन कॉर्नर के ऊपर हमें जानकारी दी। नमस्कार।